वेलकम टू पहला कैंपस। आज हम महात्मा गांधी मिशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नोएडा का कैंपस टूर करेंगे। सो दिस इज द मेन गेट, ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये कॉलेज का मेन ग्राउंड है और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे जितने भी कल्चरल इवेंट्स हैं और फ्रेशर पार्टीज़ हैं वो सारी इसी ग्राउंड पे इवेंट्स होती हैं। और इवन ये स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल पूरे गेम भी खेलते हैं। और ये जो कॉलेज है वो नोएडा सेक्टर 62 में सिचुएटेड है, तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। ऐसा ग्राउंड काफ़ी कम कॉलेजों में मिलता है। सो दिस इज़ द मेन बिल्डिंग, ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे सारी क्लासरूम होती हैं और सारी लैब्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, लाइब्रेरी सब कुछ इसी बिल्डिंग में है। सो दिस इज़ द होल न्यू बिल्डिंग। सो लेट्स गेट इनसाइड और यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्लासरूम्स और लैब लाइब्रेरी किस तरीके से हैं। ओके इस कैंपस में आप देख सकते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में बना हुआ है और जो भी ग्रीनरी है वो काफ़ी आपको अच्छी लग रही होगी। जो प्लांट्स लगे हुए हैं और जो ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आप इस तरफ ग्राउंड में भी देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप इस कॉरिडोर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्लांटिंग हुई है। और दिस साइड भी आप देख सकते हैं। मेन बिल्डिंग का एंट्री गेट है, अब हम अंदर चलते हैं। सो ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे ये वेटिंग बना हुआ है। ये इंक्वायरी सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन। अगर आपको एडमिशन वगैरह की इंक्वायरी करनी है, एडमिशन लेना है, तो आपको यहीं पे इंक्वायरी करनी होती है। अदर इंक्वायरीज भी आप यहीं पे कर सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं मेन बिल्डिंग के इनसाइड कम्प्लीटली, जो कि ये बिल्डिंग जो बनी हुई है वो सर्कुलर में बनी हुई है, तो सारे डिपार्टमेंट ये फ्लोर बाय फ्लोर चलते हैं। तो ये मेन बिल्डिंग का इनसाइड एरिया है। यहाँ पर चार फ्लोर हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कंप्यूटर साइंस चलता है, और फर्स्ट फ्लोर पे उसमें मैकेनिकल है, देन सिविल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो सारी ब्रांचेस जो हैं वो इसी फ्लोर पर चलती हैं। लैब्स भी यहीं पर हैं और लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ इसी बिल्डिंग में इंक्लूड है। सो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफिस है, मींस डायरेक्टर जो है उनकी ये ऑफिस है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है इनोवेशन लैब और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो ड्राइंग हॉल है, मशीन डिज़ाइन लैब वो यहाँ पे है, जो कि फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट लाइक हर एक स्टूडेंट्स करता है हर एक ब्रांच का, तो उसे ड्राइंग हॉल में ड्राइंग तो बनानी पड़ती है। सो दिस इज़ द ड्राइंग हॉल। ये MGM नोएडा की क्लासरूम है, क्लासरूम थर्ड है। सेम टाइप की क्लासरूम, सारी क्लासरूम्स हैं, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं। सो इस टाइप की क्लासरूम्स है, ये सिटिंग्स हैं और यहाँ पे ये आपका बोर्ड है, यहाँ पे टीचर पोडियम है, वो टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो क्लासरूम काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। सो ये केमिस्ट्री लैब है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स सभी ब्रांचों के केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब करते हैं। देन ये जो है ये फिजिक्स लैब है, और आगे वो है फ्लूइड मैकेनिक्स लैब। तो ये सारी के सारे जो लैब्स हैं वो फर्स्ट ईयर की लैब्स हैं, फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। और आप सब लोग फर्स्ट ईयर में होंगे तो सब करोगे, राइट?
अब हम आ चुके हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो ये सारा आपको जो दिख रहा है वो सारा कुछ मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे सारी मैकेनिकल्स की वर्कशॉप हैं, सिविल की वर्कशॉप हैं, जो कि अभी हम आपको वर्कशॉप के अंदर देखते हैं कौन कौन सी वर्कशॉप हैं और कौन कौन सी यहाँ पे मशीनें हैं। सो यहाँ पे आपको TPO ऑफिस है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस, और इसके बाद यहाँ पे स्टाफ रूम भी है। तो सारे स्टाफ जो हैं मैकेनिकल और सिविल के वो सारे यहाँ पे बैठते हैं। इसके बाद सिविल डिपार्टमेंट की लैब्स हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल और लैब्स जो होते हैं वो पूरे परफॉर्म होते हैं। तो इसमें सारा मैकेनिकल प्लस सिविल दोनों मिक्सचर वर्कशॉप वगैरह हैं, सारी अवेलेबल है। सो ये वर्कशॉप है, इसमें सारी मशीनरी अवेलेबल है, लेथ मशीन, वेल्डिंग और जितनी भी जो हम फर्स्ट ईयर में बेसिकली करते हैं, जो सारे डिपार्टमेंट सारी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होता है, वो सारी मशीनरी यहाँ पे हैं। ये कम्प्लीटली वर्कशॉप है जो कि मैकेनिकल के लिए भी यूज होता है फर्दर, और सिविल की जो वर्कशॉप है वो उधर है, मैकेनिकल की एक दो और वर्कशॉप जो है वो उधर है। सो ये एरिया आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड मिल जाता है यहाँ पे। ये जो बैक साइड है ये बैडमिंटन कोर्ट है, और इसके अलावा जो ये साइड आपको दिख रही है ये वॉलीबॉल कोर्ट है। तो यहाँ पे बच्चे अपना वॉलीबॉल और बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एरिया आपको प्लेग्राउंड काइंड ऑफ मिल जाता है, और जो मेन एरिया है, मेन ग्राउंड है, वहाँ पे मतलब फुटबॉल और क्रिकेट वो सारे गेम होते हैं, इवेंट्स वगैरह होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस कॉलेज में जो ग्रीनरी है और फ्री स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है।